रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन, मत्स्य व दुग्ध विकास विभागों की विशेष समीक्षा करते हुए कहा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवस्था एक मजबूत आर्थिक का जरिया बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित विभाग योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए सतर्कता दिखाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में मत्स्य विभाग द्वारा उत्पादन तो अच्छा किया जा रहा है, मगर उत्पादन के सापेक्ष में बिक्री कम हो रही है, यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। उन्होंने बिक्री बढ़ाने के लिए जिले में उत्पादित मछलियों की बिक्री के लिए होटल संचालकों, रेलवे निर्माण कंपनियों, सेना, पुलिस समेत अन्य बड़े संस्थानों से संपर्क साधने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। ये पशुपालन, मत्स्य और दुग्ध विकास, ये तीन ऐसे विभाग हैं जो पहाड़ के क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि हमारा जो हमारा दुग्ध विकास है, उन्होंने विभाग जो है उसने कहीं ना कहीं 250 लीटर की वृद्धि हुई है दूध के प्रोक्योरमेंट में। मत्स्य पालन में अच्छा काम हुआ है, वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन एक बड़ी समस्या भी सामने आई है कि उनका जो सेल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने DM और CDO को निर्देश दिए हैं कि हमारे यहाँ पर बड़े संस्थान जो हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी ITBP का यहाँ पर केंद्र है, हमारे आर्मी का यहाँ पर केंद्र है, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। और जब ये यात्रा ख़त्म हो जाए तो हमारे जो भी जितना भी रूट है जिसमें टूरिस्ट आता है, वहाँ पर उत्तरा फिश के द्वारा काउंटर्स लगाए जाएँ, लाइव काउंटर्स, जिसमें हम ट्राउट फिश लोगों को टेस्ट भी करा सकें और वहीं पर बना के वहीं पर उनको खिलाने की बात कर सकें।